दुनिया की पहली रिकॉर्ड की गई आवाज कौन सी है और दुनिया का सबसे भूतिया स्कूल कौन सा है की वीडियो में हम जानेंगे ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं, नो झंझट नो बकवास सीधे फैक्ट्स की बात। क्या आपको पता है कि जो पृथ्वी पर भूकंप आते हैं उसी तरह से चांद पर भी भूकंप आते हैं, जिन्हें की मून क्वेक कहा जाता है। लेकिन ये भूकंप सिर्फ पृथ्वी और चांद तक ही सीमित नहीं है, ये भूकंप सन पर भी आते हैं। असल में दोस्तों 27 मई 1998 को नासा के वैज्ञानिकों के सामने एक ऐसी वीडियो फुटेज आई जिसमें कुछ ऐसी सेस्मिक वेव्स को रिकॉर्ड किया गया। जब इन वेव्स पर रिसर्च की गई तो यह पाया गया कि यह सन के इंटीरियर में सनक्वेक को प्रोड्यूस कर रही हैं। उसके बाद से ही यह दुनिया की पहली और इकलौती ऐसी वीडियो क्लिप है जिसमें की सनक्वेक को रिकॉर्ड होते हुए देखा गया है। तो अब आप ये तो समझ ही सकते हैं कि अभी अभी आपने बहुत ही रेयर फुटेज देखी है। क्या आपको पता है कि साल 1996 में जापान में, यानी कि मेरे जन्म वाले साल में, पोकेमॉन गेम में लेवेंडर टाउन को ऐड किया गया था। लेवेंडर टाउन असल में एक घोस्ट ब्लेज था जिसमें प्लेयर्स को भूतों को नष्ट करना पड़ता था और इसीलिए इस गेम के सेक्शन को और बेहतरीन बनाने के लिए इसके बैकग्राउंड में हाई फ्रिक्वेंसी बायनोरल बीट्स को क्रिएट किया गया था। लेकिन ये बीट्स इतनी ज्यादा इंटेंस थी कि अगर कोई भी प्लेयर इस गेम को ज्यादा लंबे समय तक खेलता था तो उसका दिमाग अपने आप को ही हानि पहुंचाने की कोशिश करता। साथ ही साथ जितने भी मैच्योर इंसान इस गेम को खेला करते थे उन्हें नोज ब्लीडिंग और वीक इम्यून सिस्टम जैसी परेशानियां होने लगती थी। और ये चीजें इतने बड़े स्केल पर थी कि इसका आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि साल 1996 में 200 से ज्यादा जापानीज बच्चों ने इस म्यूजिक की वजह से ही अपने आप को खत्म कर लिया था। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ये गेम कितना डेंजरस था। और जापान में उसी समय एक लेवेंडर सिंड्रोम नाम की डिसीज ने भी जन्म लिया था। तो ये तो बात हो गई उस गेम की, और अब बात करते हैं उन बायनोरल बीट्स की। तो डोंट वरी, हम आपको सिर्फ ऐसी ही बीट्स सुनाएंगे जो कि आपके लिए सुरक्षित हों। क्या आपको पता है दोस्तों कि स्पेस पूरी तरह से साइलेंट है? स्पेस एक वैक्यूम है और वैक्यूम में साउंड वेव ट्रेवल नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर ऐसा कोई मॉलिक्यूल या पार्टिकल नहीं होता है कि जिसको साउंड वेव वाइब्रेट करा सके, और इसके चलते ही स्पेस में पिन ड्रॉप साइलेंस होता है। लेकिन एक्सेप्शंस हर जगह मौजूद होते हैं, और उसी की तर्ज पर ही अगर ऐसे इंस्ट्रूमेंट को बना लिया जाए जो स्पेस में प्लाज्मा वेव्स को छोड़े तो स्पेस में मौजूद एस्ट्रॉइड और प्लेनेट से भी साउंड को प्रोड्यूस किया जा सकता है, और उस वाइब्रेशन को ह्यूमन हियरिंग फ्रीक्वेंसी जो कि 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होता है उस पर रिकॉर्ड किया जाए तो हम उसे सुन भी सकते हैं, या यूं कहूं कि हम स्पेस की आवाज सुनने वाले। जैसा कि हम सभी जानते हैं, थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा साल 1877 में इस दुनिया के पहले फोनोग्राफ को बनाकर तैयार किया गया था, और इस फोनोग्राफ में आवाज को रिकॉर्ड भी किया जा सकता था और उसे बाद में सुना भी जा सकता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पहली रिकॉर्ड की गई आवाज कौन सी थी? असल में दोस्तों ये बहुत कम ही लोगों को मालूम होगा कि इसमें रिकॉर्ड पहली वॉयस थॉमस अल्वा एडिसन की ही थी, जो कि उनकी रिकॉर्डेड वॉयस के बर्थ है मैरी हैड अ लिटिल लैम। तो ये थी दुनिया की पहली आवाज जिसे रिकॉर्ड करके सुना गया था। दोस्तों ये दुनिया बहुत ही अजीबोगरीब प्रथाओं से भरी हुई है, लेकिन क्या आपको पता है कि एक प्रथा है जिसमें कि होने वाले दूल्हे को एक मेज पर लिटाकर बांस की लकड़ियों से उसके पैरों में जोर जोर से मारा जाता है? ऐसा सिर्फ इसीलिए किया जाता है कि साउथ कोरियंस के अनुसार ग्रूम्स अपनी भविष्य में आने वाली रेस्पॉन्सिबिलिटीज को आसानी से उठा सके। और दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में ये बात जरूर बताना कि अगर ऐसी प्रथा अपने इंडिया में होती तो अपने यहाँ के दूल्हों का क्या हाल होता। दुनिया का सबसे भूतिया स्कूल, दोस्तों अगर आप इस टॉपिक को इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको एक नाम हर जगह दिखाई देगा, वो है गेटिसबर्ग स्कूल या कॉलेज।
दोस्तों इसकी स्थापना एक स्कूल के रूप में की गई थी, आगे चलकर इसे कॉलेज के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया था। असल में दोस्तों इस स्कूल को सन 1832 में बनाकर तैयार किया गया था और उसी के बाद ये कॉलेज लोगों के बीच बहुत ज्यादा फेमस हो गया। लेकिन 1861 में अमेरिका में आगे चलकर सिविल वॉर छिड़ गई, जिसके चलते इस स्कूल को बंद करके एक टेम्पररी हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया गया था, जिसमें युद्ध में घायल हुए सोल्जर्स का इलाज किया जाता था। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अमेरिका सिविल वॉर बहुत बड़े स्तर पर हुआ था और इसी के चलते इस कॉलेज ने उस समय 46,000 से लेकर 51,000 तक कैजुअल्टीज को फेस किया था। इसके बाद साल 1865 में सिविल वॉर के खत्म हो जाने के कुछ दिनों के बाद इसे दोबारा से ओपन कर दिया गया, लेकिन उसके बाद वहाँ के स्टूडेंट ने समय समय पर लगातार शिकायतें की उन्हें वहाँ पर क्रीपी साउंड और सैनिकों के चलने की आवाजें लगातार आती हैं। और सबसे रहस्यमयी बात कि जब भी इस कॉलेज में लगी हुई लिफ्ट को स्टूडेंट या टीचर्स द्वारा उपयोग किया जाता था तो वह उन्हें ऊपर ले जाने की बजाय बेसमेंट में ले जाया करती थी और वहीं पर खुला करती थी। यह एक टाइम ट्रैवल जैसी घटना की तरह था। और जैसे ही ग्राउंड फ्लोर पर दरवाजा खुलता था, लोगों को वहां पर एक प्रॉपर हॉस्पिटल नजर आता था और उन्हें वहां पर बहुत सारे घायल सोल्जर्स और डॉक्टर्स उनका इलाज करते हुए दिखाई देते थे। और जब वो वापस से उस लिफ्ट को घबराकर वहीं पर ले जाते थे तो सब गायब हो जाता था। है ना बहुत डरावनी बात। और यही सारी चीजें मिलकर इस कॉलेज को दुनिया का सबसे अजीब और डरावना और भूतिया कॉलेज बनाती हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।